आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। सिमरादनाथ गंगा तट पर घाट पर हाट कार्यक्रम का गंगा आरती कर जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। खबर जनपद भदोही से है, जहां 1 अक्टूबर 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव व नमामि गंगे के अंतर्गत गांधी जयंती पर आयोजित घाट पर हाट कार्यक्रम का सिमरादनाथ गंगा घाट पर जिलाधिकारी गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह व प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार आर्य ने दीप प्रज्वलित करते हुए गंगा पूजन व आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार आर्य ने बताया कि घाट पर हाट कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभात फेरी, गंगा स्वच्छता शपथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा प्रदर्शनी, दीपोत्सव कार्यक्रम, माँ गंगा आरती आदि कार्यक्रम जन सहभागिता से किया गया। जिलाधिकारी ने उपस्थित जनता जनार्दन को गंगा स्वच्छता शपथ दिलाई, जिसके अंतर्गत जनमानस से गंगा के घाटों को साफ करने, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करने, कूड़ा कचरा पॉलीथीन नहीं डालने, नहाते व कपड़ा धोते समय साबुन का प्रयोग नहीं करूंगा आदि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, अपितु भारतीय सभ्यता व संस्कृति की जीवंत प्रतिरूप है। गंगा घाटी के उर्वर मैदानों में कृषि अर्थव्यवस्था की अनुकूल स्थितियां विद्यमान है, जिससे भारत की प्रगति को दशा व दिशा में बल मिलता है। गांधी जयंती पर युवा कल्याण विभाग व वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। गांधी जयंती पर गांधी जी का गंगा के प्रति विचारों व संदेशों का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विजय तिवारी की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।